हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर 4, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसा कि आपको नाम भी पता है, आप जानते ही होंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस रहे हैं। आपके इस चैप्टर से रिलेटेड और एल्बर्ट आइंस्टाइन से रिलेटेड मैं एक वाक्य आपको बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एल्बर्ट आइंस्टाइन चूंकि एक जीनियस के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को भूलने की आदत थी, यानी वो ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख पाते थे। यहाँ तक कि वो लोगों के बर्थडेज भूल जाते थे, किसी पर्टिकुलर किसी विशेष दिन को भूल जाते थे, और साथ ही साथ वो फ़ोन नंबर को भी याद नहीं रख पाते थे। एक बार उनके सहकर्मी यानी उनके कलीग ने आकर के उनसे उनका नंबर पूछा, तो वो जो है अपनी पास में रखी हुई डायरी को उठाकर उसमें अपना नंबर ढूंढने लगे। तब उनके सहकर्मी ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि आपको क्या अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं? तो फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जिन चीज़ों को मैं अपनी डायरी में ढूंढ करके बता सकता हूँ, उनको मुझे याद रखने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी ऐसे ही एक इंसिडेंट से स्टार्ट होता है। एल्बर्ट एट स्कूल का मतलब हुआ कि एल्बर्ट स्कूल में है और वहीं के एक इंसिडेंट के बारे में इसमें बताया गया है। इस लेसन की स्टार्टिंग में बताया गया है कि मिस्टर ब्राउन, जो कि हिस्ट्री टीचर हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के, वो एल्बर्ट को उठाते हैं और एल्बर्ट से पूछते हैं कि प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू में कब हराया। एल्बर्ट थोड़ी देर शांत रहते हैं और उसके बाद बड़ी ही सहजता से जवाब देते हैं कि सर, मुझे नहीं आता। ये सुनकर के उनके हिस्ट्री टीचर कहते हैं कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, मैं रोज़ तुमको ये चीज़ बताता हूँ और तुमसे याद करने को भी कहता हूँ, घर पर भी तुमको प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद भी तुम ये चीज़ें नहीं बता पा रहे हो। एल्बर्ट थोड़ी देर तो अपने हिस्ट्री टीचर को सुनते हैं, लेकिन उसके बाद उनको आंसर देते हैं कि सर, जिन चीज़ों को मैं अपनी बुक में ढूंढ करके बता सकता हूँ, उनको मुझे याद रखने की क्या ज़रूरत। यानी एल्बर्ट फैक्चुअल जो नॉलेज होती है, फैक्चुअल एजुकेशन में विश्वास नहीं रखते हैं। उनको ये लगता है जो चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं उनको याद रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर के उनके हिस्ट्री टीचर उनको कमेंटिंग वे में बोलते हैं कि अच्छा, इसका मतलब जो बुक्स होती हैं उसी पर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम डिपेंडेंट है। इसका मतलब कि तुम्हारे हिसाब से जो एजुकेशन सिस्टम है वही गलत है, वो वैसा नहीं होना चाहिए। और ये सुनकर के उनको पूरी क्लास के सामने खड़ा कर देते हैं कि ठीक है एल्बर्ट, अब तुम मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताओ। और ये सुनकर के एल्बर्ट को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि उनको सभी स्टूडेंट्स के सामने इस तरह से कहा गया। वो वहाँ पर मुंह नीचे करके खड़े हो जाते हैं। आइंस्टाइन अपने टीचर को ये बताना चाहते हैं, ये कहते हैं कि जो एजुकेशन होती है वो एक्चुअल में आइडियाज़ पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि फैक्चुअल नॉलेज पर। आइंस्टाइन के इस तरह के बिहेवियर को देखकर टीचर जो होते हैं वो गुस्से में भर जाते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि तुम फिर स्कूल क्यों आते हो अगर तुम्हें स्कूल का एजुकेशन सिस्टम पसंद ही नहीं है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी वजह से नहीं, अपने फादर की वजह से आता हूँ, जो कि ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से डिप्लोमा करूँ। तो फिर उनके जो टीचर होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं सजेस्ट करूँगा तुम्हारे फादर को कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं, क्योंकि तुम इस स्कूल के लिए डिस्ग्रेस्ड हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन म्यूनिच में रहते थे, लेकिन जिस एरिया में वो रहते थे वो एक स्लम एरिया था और वहाँ पर वो स्लम वायलेंस से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। यानी जिस क्वार्टर में एल्बर्ट आइंस्टाइन रहते थे वहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर था, जो एनवायरनमेंट था, वो आइंस्टाइन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। टोटली ये कह सकते हैं कि म्यूनिच में ना तो उनको अपना स्कूल अच्छा लगता था और ना ही वो जगह अच्छी लगती थी जहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन रहते थे। एल्बर्ट का वहाँ रहना मजबूरी थी क्योंकि एल्बर्ट के फादर चाहते थे कि वो डिप्लोमा करें, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एल्बर्ट को एक अच्छी एकोमोडेशन अफोर्ड कर पाएं। तो वहाँ पर भेजने के लिए वो जो उनका बेस्ट पॉसिबल होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो भी अरेंज कर सकते हैं वो एल्बर्ट को लेकर के म्यूनिस भेजते हैं। तो उतने रुपए में जो एल्बर्ट होते हैं वो वहाँ पर एक स्लम एरिया में एक क्वार्टर ले लेते हैं, लेकिन वहाँ की वॉयलेंस उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वहाँ पर जो उनकी लैंड लेडी होती है यानी जो उस हाउस की ओनर होती है, वो हमेशा अपने बच्चों को मारती है, और जब वो बच्चों को मारती है तो उनकी चीख चिल्लाहट जो
एल्बर्ट हैं उनको अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और जो लैंड लेडी का हस्बैंड है वो सैटरडे को ड्रंक होकर के आता है और फिर वो उस लैंड लेडी को भी मारता है, तो ये सारी चीज़ें एल्बर्ट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। एल्बर्ट इन्हीं परेशानियों को शेयर करते हैं यूरी से। यूरी कौन है? यूरी एल्बर्ट आइंस्टाइन के फ्रेंड हैं जो कि म्यूनिच में रहते हैं और उनसे मिलने आए हुए हैं। तो एल्बर्ट अपनी इन्हीं परेशानियों को उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर जब रहता हूँ तो मुझे बच्चों के रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मुझे यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अपने स्कूल का इंसिडेंट भी वो उनको बताते हैं और वहाँ की प्रॉब्लम्स को भी बताते हैं कि मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा तरीका निकल जाए कि मैं इस स्कूल से चला जाऊँ। लेकिन ये बात मैं अपने फादर को नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे समझा करके दोबारा से स्कूल में भेज देंगे। एल्बर्ट यूरी को बताते हैं कि वो वायलिन प्ले करना जानते हैं और उनको वायलिन प्ले करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब भी वो वायलिन प्ले करते हैं तो उसको तब तक बंद नहीं करते जब तक कि उनकी लैंड लेडी आकर के उसको बंद करने को ना कह दे। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है कि एल्बर्ट म्यूनिच में जहाँ रहते हैं वहाँ ना तो उनका स्कूल उनको पसंद है, ना ही उनका घर उनको पसंद है और ना ही वहाँ का माहौल उनको पसंद है। और जो एकमात्र चीज़ उनको पसंद है कि वो वायलिन बजाना उनको अच्छा लगता है, तो वो जब भी बजाते हैं तो उनकी लैंड लेडी जो है वो उनको आकर के मना कर देती है कि नहीं मत बजाओ, इससे बहुत शोर हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बताते हुए वो यूरी से कहते हैं कि यूरी तुम कितने लकी हो कि तुम यहाँ पर नहीं रहते और तुम जहाँ पर रहते हो वहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं और अच्छे लोग रहते हैं। तो यूरी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और ये बात बताते हुए यूरी उन्हें बताते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, पिछले हफ्ते की ही बात है, कि एक लड़के ने दूसरे लड़के को मार दिया, यानी उसको मर्डर कर दिया। तो फिर वो एल्बर्ट पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ और उस लड़के का क्या हुआ जिसने उसे मारा था। तो जो यूरी होते हैं वो कहते हैं कि उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ, बस उसको एक वार्निंग दे करके छोड़ दिया गया। जो वहाँ की कमेटी थी उसने उनको ये बोला कि तुमको अब आगे से इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और इस तरह से वार्न करके उस लड़के को वहाँ से छोड़ दिया। और बड़ा ही उसको जो है गर्व होता है इस बात पर कि उसने इतना बड़ा काम किया कि किसी का मर्डर किया और उसको कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर कोई भी इस तरह का भाव नहीं होता कि उसने कोई भी गलत काम किया है। एल्बर्ट यूरी से कहते हैं कि मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है क्योंकि मैं जब तक यहाँ रह रहा हूँ मैं सिर्फ पैसे वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, मैं वहाँ पर प्रॉपरली नहीं पढ़ता हूँ और अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये सुनकर के यूरी कहते हैं कि देखो ऐसे तुम कैसे चले जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे फादर तुमको ये पूछेंगे कि भाई मैंने तुमको डिप्लोमा के लिए वहाँ भेजा है तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए। यूरी से बात करते करते एल्बर्ट को एक आइडिया आता है और वो ये सोचते हैं कि अगर मैं अपने फादर से डायरेक्टली कहता हूँ कि मुझे इस स्कूल से निकाल लें तो वो इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस चीज़ को डिनाई करके मुझे दोबारा से यहाँ भेज देंगे, तो मैं कोई ऐसा तरीका निकालता हूँ जिससे कि मेरे को परमानेंटली यहाँ से छुटकारा मिल जाए। और तभी उनके मन में एक आइडिया आता है कि वो यूरी से पूछते हैं कि यूरी क्या तुम किसी एक ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो मुझे ये लिख करके दे दें कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं एक ऐसी सीरियस कंडीशन को जिसमें इंसान को डिप्रेशन हो जाता है या फिर वो नॉर्मल नहीं रह पाता। तो वो ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि अगर इस तरह से कोई डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करके दे देगा कि वो ठीक नहीं है या फिर उनको डिप्रेशन हुआ है या फिर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसको समझ करके स्कूल से उनको छुट्टी मिल जाएगी, ब्रेक मिल जाएगा, जिससे कि वो यहाँ से चले जाएंगे और उनके फादर भी उनसे कुछ नहीं कहेंगे। तो यूरी कहते हैं कि नहीं मैं किसी डॉक्टर के टच में तो नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं किसी डॉक्टर की विजिट कर सकूँ। तो ये सुन करके एल्बर्ट कहते हैं तो फिर कुछ और तरीका बताओ। तो यूरी कहते हैं देखो डॉक्टर तो मैं नहीं जानता लेकिन कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स ज़रूर हैं जिनको मतलब मैं बोल सकता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो एल्बर्ट उनको कहते हैं ठीक है तुम बात करो एक कुछ ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स से जो कि नर्व सिस्टम को जानते हों।
ताकि वो मुझे ये लिख करके दे सके कि मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। इसी बीच उनकी एक कजिन एल्सा जो कि बर्लिन से आई हैं और जो एल्सा हैं वो उनकी सेकंड वाइफ भी रही हैं, तो वो एल्सा से अपनी बातों को कहते हैं और एल्सा को बताते हैं कि एल्सा मुझे ये सब चीज़ें याद करना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए मुझे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं लगते। तो एल्सा उनसे कहती हैं कि देखो मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो कि पढ़ने में तुमसे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं लेकिन वो इन एग्ज़ाम्स को पास कर लेते हैं और इसके लिए तुम्हें बस ये करना होगा कि तुम्हें तोते की तरह इनको रटना होगा। लेकिन एल्बर्ट मना कर देते हैं कि नहीं, ये काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे इस तरह की एजुकेशन अच्छी नहीं लगती, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी एल्सा नोटिस करती हैं कि एल्बर्ट जो बुक पढ़ रहे हैं वो जियोलॉजी की है, तो उसको देख करके एल्सा ये कहती हैं कि ये जो बुक तुम पढ़ रहे हो ये तो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है और ना ही प्रिस्क्राइब्ड है, तो फिर तुम इसको क्यों पढ़ रहे हो। तो एल्बर्ट कहते हैं कि इस बुक को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि मैं इसको पढ़ूँ। ये सुनकर के एल्सा बोलती हैं कि देखो एल्बर्ट, तुमको एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए थोड़ा बहुत लर्न करना होगा और उसके बाद तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। एल्बर्ट यूरी से 6 महीने बाद मिलते हैं और यूरी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक डॉक्टर को ढूंढ लिया है जो अभी लास्ट वीक ही डॉक्टर बना है। ये बात सुन करके एल्बर्ट उन पर थोड़ा सा शक करते हैं और ये बात देख करके यूरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो एल्बर्ट को वॉर्न करते हैं कि देखो वो एक अच्छा डॉक्टर है, मेरा फ्रेंड है और इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो एल्बर्ट उनसे कहते हैं ठीक है, अगर तुमने डॉक्टर को ढूंढ लिया है तो मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। तो यूरी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है कल शाम की और तुम उनसे मिल सकते हो। जिन डॉक्टर से वो मिलेंगे उनका डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। यूरी जब एल्बर्ट से मिलते हैं तो एल्बर्ट पहले जैसे हो जाते हैं, यानी वो अपनी जो भी उनको खुशी होती है पहले जिस समय वो एल्सा से मिलते हैं, यूरी से बात करते हैं, वो सारी चीज़ों को खो देते हैं और फिर से उस नर्वस ब्रेकडाउन में चले जाते हैं जो उनको स्कूल जा करके होता है। तो फिर जब एल्बर्ट उनको कहते हैं ठीक है मैं कल शाम को डॉक्टर से मिलने जाऊंगा, तो वहाँ पर जब डॉक्टर से मिलने के लिए एल्बर्ट जाते हैं तो उससे पहले वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि मैं डॉक्टर को किस तरीके से ये बता सकूं कि मैं वाकई में ख़राब फील करता हूँ या नर्वस फील करता हूँ। फाइनली वो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल के पास जाते हैं और अर्नेस्ट वेल उनसे कहते हैं कि तुम वाकई में अपने स्कूल से परेशान हो और इसीलिए तुम मेरे पास आए हो। उनकी ये बात सुनकर के एल्बर्ट उनसे पूछते हैं कि मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया लेकिन आप ये बात कैसे कह सकते हो। तब उन्होंने इशारा किया कि मुझे यूरी यानी उनके फ्रेंड ने सारी बातें बता दी हैं। ये सुनकर के एल्बर्ट थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि उनको यूरी को ये बातें आपको पहले से नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन डॉक्टर वेल कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम रियली चाहते हो कि मैं तुम्हें लिख करके दे दूँ कि तुमको नर्वस ब्रेकडाउन है तो फिर तुम उसके बाद क्या करोगे। तो एल्बर्ट कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स इटली यानी मिलान में रहते हैं इटली के, तो अगर आप ऐसा लिख करके दे देंगे तो फिर मैं वहाँ पर चला जाऊँगा अपने पेरेंट्स के पास और वहीं किसी इटालियन कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। सुन करके अर्नेस्ट वेल जो डॉक्टर हैं वो पूछते हैं एल्बर्ट से कि एल्बर्ट लेकिन वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पास तो डिप्लोमा ही नहीं है। तब एल्बर्ट कहते हैं कि मैं अपने मैथ टीचर से बात करूँगा, वो मुझे एक रेफरेंस दे देंगे तो उस रेफरेंस से मैं वहाँ के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। डॉक्टर को बताते हैं कि मैं मैथ्स में काफ़ी अच्छा रहा हूँ और ये रीज़न भी रहेगा कि मेरे मैथ्स टीचर मुझे रेफरेंस देने से मना नहीं करेंगे और इस तरह से मैं मिलान वापस जा कर के कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। साथ ही एल्बर्ट कहते हैं कि मैंने सारी मैथ्स जो भी स्कूल में सिखाई जाती है वो सीख ली है और शायद मैंने उनसे थोड़ा ज़्यादा ही सीख लिया है। सुन करके जो डॉक्टर होते हैं वो एल्बर्ट से कहते हैं ठीक है मैं तुमको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ और मुझे लगता है कि इस सर्टिफिकेट को देख करके शायद तुम्हें स्कूल से छुट्टी मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्लान तुम्हारा कामयाब होगा। तब एल्बर्ट उनसे पूछते हैं कि आपकी फ़ीस क्या हुई, यानी मुझे आपको क्या देना है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो ये कहते हैं कि मेरी फ़ीस कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं देना है, बल्कि जो यूरी है वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, तुम इसके बदले उसको एक अच्छा सा डिनर करा देना और शायद अब भी आज के बाद तुम
भी मेरे अच्छे दोस्त हो। अल्बर्ट के पास एक्चुअल में मनी नहीं होती है उस डॉक्टर को देने के लिए, लेकिन वो इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो देना चाहते हैं, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। और फिर वो यूरी को डिनर पर लेकर के जाते हैं और यूरी को ये बताते हैं कि उनको 6 मंथ्स का नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट मिल चुका है। तब यूरी कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुरा हुआ तो बस इतना होगा कि तुमको वापस स्कूल आना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें उस जगह से ब्रेक मिल गया है जहाँ तुम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हो। उसके बाद वो मिस्टर कोच के पास जाते हैं जो कि उनके मैथ टीचर हैं। जो उनके मैथ टीचर हैं वो एल्बर्ट से बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि एल्बर्ट की मैथ्स बहुत अच्छी थी और वो अपनी क्लास में हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ते थे। मिस्टर कोच एल्बर्ट से कहते हैं कि एल्बर्ट, मुझे पता था कि तुम चले जाओगे या जाने वाले हो, और मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि तुम अगर इस स्कूल में थोड़े दिन और पढ़ते तो शायद एक समय ऐसा आ जाता कि तुम हमें पढ़ाने लग जाते, और ये ठीक समय है कि तुम यहाँ से जा रहे हो। और इस तरह से वो उनको एक अच्छा सा रेफरेंस लिख करके दे देते हैं। लेकिन उसके बाद उनके जो हेड मास्टर होते हैं वो उनको पहले से बुला लेते हैं। हेड मास्टर के पास जाने के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वेट करना होता है उनसे मिलने के लिए, लेकिन एल्बर्ट को उन्होंने पहले से बुलाया होता है, तो एल्बर्ट सीधे उनके केबिन में चले जाते हैं। हेड मास्टर एल्बर्ट से कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तुम इस स्कूल से जा रहे हो, क्योंकि जब तुम इस स्कूल में रहते हो, क्लास में रहते हो, तो तुम किसी भी बच्चे को पढ़ने नहीं देते हो, सबको परेशान करते हो और सबको बहुत ही डिस्टर्ब फील होता है, और ये हमारे स्कूल के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि तुम स्कूल को छोड़ रहे हो। ये सुन करके एल्बर्ट को अंदर से बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, और एक बार को उनको ये भी आइडिया आता है कि बेकार ही उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर से बात करने का सारी चीज़ें प्लान की, क्योंकि यहां पर तो पहले ही हेडमास्टर उनको स्कूल में नहीं रखना चाहते हैं। मास्टर की बातों को सुन करके उनको थोड़ा खराब लगता है, लेकिन उनको फाइनली वहां से जब लिख करके दे दिया जाता है कि वो स्कूल से जा रहे हैं, तो वो इस बात को सुन करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और हेडमास्टर जब वो जा रहे होते हैं तो उनसे कहते हैं कि जाते जाते वो डोर बंद कर जाएं, लेकिन एल्बर्ट इतने खुश होते हैं कि उन्होंने उनकी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और वो बिना दरवाजा बंद किए वहां से मुंह सीधे करके बाहर निकल जाते हैं। उस सर्टिफिकेट को मिलने के बाद फाइनली वो इस स्कूल से चले जाते हैं और उनको बिल्कुल भी वो इस स्कूल को पीछे मुड़कर के भी नहीं देखते, और ना ही उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिससे वो मिलना चाहते हैं आखिरी बार इटली जाने से पहले, तो वो ऐसा नहीं करते। केवल उनके फ्रेंड यूरी हैं जिनसे वो वहाँ पर मिलना चाहते हैं म्यूनिश में। और यहाँ पर ये बताया गया है कि एल्सा भी अब तक बर्लिन जा चुकी हैं, तो फाइनली वो यूरी से मिलते हैं। यूरी उनको गुड बाय बोलते हैं, गुड लक बोलते हैं, और साथ ही साथ यूरी ये भी बोलते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे, बहुत ही वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो, और वहाँ पर जब तुम जाओगे इंस्टीट्यूट में तो वहाँ पर मुझे लगता है कि तुम यहाँ से बेटर फील करोगे। और इस तरह से यहाँ पर ये लेसन का एंड हो जाता है। आई होप कि ये आपको समझ आया हो, एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।